हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। करीबन करीबन एक हफ्ते के आसपास का वक्त बीत चुका है और एक और सैड न्यूज आई है बॉलीवुड के गलियारों से। वेटरन एक्ट्रेस शमी जी अब हमारे बीच में नहीं रही है। 79 साल की यानी कि 89 ईयर्स ओल्ड एक्ट्रेस शमी जी ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया और एक बहुत बड़ी लीगेसी है उनकी फिल्मों में। आप अगर आपने चेहरा देख लिया होगा ऑलरेडी उनका अभी तक और मेरे कुलमा पे, और उन्होंने कई सारी तरह की फिल्में की हैं। बहुत ही मेहनती थी और बहुत ही कॉमेडी टाइप रोल्स भी करती थी और बहुत ही उस समय यानी कि 50s के दौर में कॉमेडी रोल्स के हिसाब से वन ऑफ द पॉपुलर एक्ट्रेस थी। और नरगिस जबाली रबाडी उनका ओरिजिनल नाम था और उन्हें डायरेक्टर ने जो इन्होंने फर्स्ट फिल्म उन्हें दी थी उस्ताद पेड्रो जो 1951 में रिलीज हुई थी, उन्हें कहा कि डायरेक्टर ने कि आप अपना नाम शामी जी रख लो, क्योंकि उस समय नरगिस दत्त ऑलरेडी फेमस हो गई थी और तो इन्होंने अपना नाम रख लिया शामी जी। ठीक है, और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि शामी जी जिसका ओरिजिनल नाम नरगिस है, उनकी दोस्ती नरगिस दत्त से काफ़ी सालों तक चली रही, जो एक बहुत अच्छी बात है। और कई सारे मेन लीड रोल्स भी मिले उनको 1949 के बाद से, जब से उन्होंने फिल्में साइन कर चालू कर दी 5-6 सालों तक। उसके बाद कुछ कुछ रोल्स उन्हें आई थिंक सेकेंड मेन लीड के मिलने लगे। फिर आई थिंक कोई एक फिल्म उन्होंने की थी, बंदिश वगैरह भी फिल्म की है, आज़ाद फिल्म भी कही है उन्होंने 50s में। उसके बाद कोई एक फिल्म थी जो आई थिंक दिलीप कुमार के साथ थी उनकी, जो शायद चल नहीं पाई, जिस वजह से उनको 7-8 महीने तक काम नहीं मिला। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि वो खुद ही एक घर के ब्रेड विनर है, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत तभी हो गया था। वो एक एक पारसी में जो उनका सबसे बड़ा जगह होता है, प्रीस्ट वहाँ के थे, 3 साल की जब ये थी तभी उनका देहांत हो गया था। तो बहुत मुश्किलों से इनका गुजर बसर हुआ और इसलिए उन्हें पता था वो एक घर के ब्रेड विनर है, उन्हें अपना घर चलाना है। और उसके बाद उन्होंने उन्हें जैसे भी रोल्स आने लगे वो करने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो वैम्पायर्स, वो बोलते ना एक नेगेटिव रोल्स, वो भी करने लगी। और उसके बाद आई थिंक लेट 70s तक उन्होंने इसी तरह से काम किया कई सारी फिल्मों में। उसके बाद 70s के दौर के आसपास उन्होंने शादी की थी सुल्तान अहमद से, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टर भी थे दाता फिल्म, कई सारी फिल्म उन्होंने बनाई। और उनसे 7-8 साल तक के बाद आई थिंक सेपरेशन हो गया किसी ना किसी चलते। और उस समय शमी जी घर वगैरह छोड़ के चली आई, अपने पुराने घर में रहने लगी। इस बात से नरगिस जी भी खफा हुई थी। उसके बावजूद जो उनके फिल्मी सर्कल में जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं ने वापस कहा कदूल दिलवाया फिल्मों में और वापस से सपोर्टिंग एक्टर्स के रोल में बहुत चलने लगी 80s के दौर के बाद से। और काफ़ी हद तक उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया, श्रीमान श्रीमती, देख भाई देख, ऐसे कई सारे सीरियल फिल्मी चक्कर। तो उनका जो एक कैरियर था बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उन्हें कभी काम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक चीज़ ये है कि उनकी जो आखिरी फिल्म थी शीरिन फरहाद की निकल पड़ी, जो 2013 में आई थी, यानी कि 1950s का जो 50 से जो चालू किया उन्होंने सफ़र, 2013 तक उनका सफ़र जारी रहा। उम्र दराज होने की वजह से उन्हें 2002 के बाद से उन्हें रोल कम मिलने लगे और आखिरी फिल्म जिसे मैंने कहा 2013 में आई थी शीरिन फरहाद की निकल पड़ी। और एक बढ़िया जर्नी रही, 200 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की है, जो पॉल वॉकर के साथ उनका जॉनी वॉकर जो बहुत पुराने कॉमेडियन हमारे हैं बॉलीवुड के, उनके साथ उनकी जोड़ी काफ़ी जमती थी। कॉमेडियंस के साथ मुखरी हो या कई सारे कॉमेडियंस थे जो उस दौर से दौर के थे उन 50s और 60s के दौर से, उनके साथ बहुत उनकी कॉमेडी जोड़ी जमती थी। और इनका जो सिलेक्शंस भी हुआ बहुत अच्छी तरह से हुआ था। इनकी जब पहली फिल्म जो इन्होंने की उस्ताद पेड्रो 1951 में जो आई थी, एक्चुअली क्या था कि शेख मुख्तार जो इस फिल्म के हीरो थे और डायरेक्टर को भी आई थिंक सेकेंड फीमेल लीड चाहिए थी, यानी कि हीरो की हीरोइन तो मिल चुकी है, बेगम परा थी, लेकिन सेकेंड मेन लीड है उनकी हीरोइन नहीं थी, मतलब सेकेंड मेन लीड एक्ट्रेस आप समझ लो या सपोर्टिंग एक्टर समझ लो। तो यार उसी में काम करते थे कोई आई थिंक इनके पहचान वाले, यानी कि जो शमी जी हैं उनके पहचान वाले। तो शमी से उन्होंने पूछा कि क्या तुम काम करना चाहती हो, तो इन्होंने कहा आई थिंक क्यों नहीं, ठीक है। उस समय 18 साल की उम्र थी इनकी
और जब ये चली गई शेख मुख्तार, जो अपने टाइम के बहुत बड़े हीरो, महबूब साहब की फिल्म है रोटी हो, कई और बड़ी बड़ी फिल्में हैं, हलाकू हो, कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने पूछा कि तुम तो यार पारसी हो, तुम्हें क्या हिंदी आती है बोलने प्रॉपर? तो सीधी सी बात, इन्होंने सीधा सीधा बोला शामी जी ने, मैं बोलती हूँ हिंदी, आपको अगर कहीं गलती आए, गलती लगे तो टोक देना। तो ये बात बहुत पसंद आई शेख मुख्तार को, और उसके बाद उन्हें पहली फिल्म मिली, और जब भी फिल्म की शूटिंग नहीं होती थी तभी वो जाती थी स्टूडियो, महालक्ष्मी स्टूडियो आई थिंक, तो वहाँ पर सीखती थी हिंदी इम्प्रोवाइजेशन वगैरह ये सब चीज़ें। तो स्ट्रगल बहुत स्टार्ट हुई, एक इलनेस या एजेंट वजह की वजह से उनका देहांत हुआ, बट कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को बहुत हंसाया है, अपने लोगों से एंटरटेन किया है, और मेरे ख्याल से एक ट्रू लिविंग एजेंट थी, एक बहुत अच्छी दोस्त थी नरगिज़त के या बाकी लोग, एक अच्छी दिल की इंसान है। आप अगर उनका चेहरा देखो, उनकी मासूमियत देखो, उनका एक्टिंग का स्किल्स देखो, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, वन ऑफ द बोल्डेस्ट एक्टर्स थे अपने टाइम के, यानी बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे तरह के रोल्स उन्होंने किए अपने दौर में, जो मुझे भी बहुत पसंद आया। आप देखना कभी उनकी पुरानी फिल्मों को कभी भी उठा के, उन्होंने एक फिल्म शायद डायरेक्ट भी की है, पिघला पिघलता आसमान, जो मैंने देखी है यूट्यूब पर भी, और 1981 में थी वो फिल्म, वैसे तो बहुत फ्लॉप हुई और उसकी वजह से बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था, बट स्टिल लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और हर किसी को जो दिल करता है वो करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस का आज निधन हो चुका है।